आप देख रहे हैं इसमें आई फॉर यू चैनल, जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं संजय कुमार भगत, न्यूज़ डेस्क आई फॉर यू। आप तमाम शिक्षक बंधुओं से अपील करता है कि 11 जुलाई 2023 को पटना चलें अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षक के सम्मान के लिए, अपने बाल बच्चों के हक के लिए, शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सभी 11 जुलाई 2023 को पटना चलें। आप तमाम शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि इस बड़े आंदोलन, व्यापक आंदोलन का हिस्सा जरूर बने। जिस तरह से सरकार शिक्षकों पर दमनकारी नीति चला रही है, लंबे अरसों से हमारे लंबित मांगों को नज़रअंदाज कर रही है, ऐसे में आप अपनी हक के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने विद्यालय से अपने सभी साथियों के साथ, अपने शिक्षक संघ के साथ, शिक्षक संघ के नेताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए क्रांतिकारी नेताओं, क्रांतिकारी शिक्षक का मनोबल ऊंचा करने के लिए सरकार की कुटिल मंशा को धूमिल करने के लिए, उनकी दमनकारी नीतियों पर डंडा चलाने के लिए आप सभी शिक्षक बंधुओं तथा क्रांतिकारी शिक्षक शिक्षिका से अनुरोध है कि कल के आंदोलन का हिस्सा जरूर बने। सिर्फ बैठकर आंदोलन को नहीं जीता जा सकता है, सिर्फ आंदोलन की चर्चा करके आंदोलन को नहीं जीता सकता है, सिर्फ पेपर पढ़कर, टीवी में न्यूज़ देखकर आंदोलन को नहीं जीता जा सकता है। जिस तरह से हमारे भारतीय क्रांतिकारी अपने गुलाम मुल्क को गुलामियों से, खराब आर्थिक परिस्थितियों से, अव्यवस्था से, अंग्रेजों के शासन के कुचक्र से, हमारे आंदोलनकारियों ने उसे बाहर निकाला और देश को आज़ाद किया। उसी तरह तमाम शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि आप इस इनकलाब में शामिल हो। हाँ, कुछ शिक्षक ऐसे ज़रूर हैं जो घर बैठकर ही इस आंदोलन का लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आंदोलन की जीत होना तो तय है, निश्चित है, लेकिन आप कभी अपने आप को इस आंदोलन का हिस्सा नहीं मान पाएंगे और न ही अपने जीवन में कभी अपने आप को आत्मसम्मान दे पाएंगे। आप अपना सर कभी ऊंचा नहीं उठा सकते हैं, न ही अपने शिक्षक बंधुओं के सामने, न अपने परिवार के सामने, न अपने माता पिता के सामने, न अपने बीवी बच्चों के सामने, न ही देश के सामने। आप समाज में हमेशा नीचे देखे जाएंगे, आपका इतिहास हमेशा निंदनीय होगा, आपके बाल बच्चे आपको धुतकारेंगे कि हमारे पापा, हमारे मम्मी एक गिरे हुए इंसान थे जो कभी
आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाए। तो आत्मसम्मान के लिए जो अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, जो अभी भी आंदोलन में जाने के लिए सोच रहे हैं, आप इस दुविधा से ऊपर उठें और कल के महा आंदोलन महासंग्राम का हिस्सा अवश्य बने। किसी भी स्थिति में चाहे जीत हो या हार, लेकिन क्रांतिकारियों की हमेशा जीत होती है। वे हमेशा समाज में सम्मानित होते हैं, हमेशा परिवार में सम्मानित होते हैं, उनका आत्मसम्मान काफ़ी ऊंचा उठा होता है। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारी शिक्षक शिक्षिकाओं बंधुओं से आग्रह है कि आप इस समय को बिना गवाए सरकार पर विशेष दबाव बनाने के लिए कल के महासंग्राम में शामिल अवश्य हों। हाँ, देश के कुछ गद्दारों का नाम मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जैसे जयचंद। अभी भी लोग जयचंद का उदाहरण देते हैं, जब कोई गद्दारी करता है तो हम उसके लिए जयचंद का उपमान संज्ञा देते हैं। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के सामने जयचंद ने गद्दारी की थी, तभी पृथ्वीराज को शिकस्त मिली थी। वहीं सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने गद्दारी की थी, तभी अंग्रेज सिराजुद्दौला को हरा पाया था। मीर जाफर के तरह मीर कासिम ने भी देश के लिए गद्दारी की थी, एक छोटा सा पद के लिए। और मीर कासिम, यद्यपि उसे सिंहासन मिल गया था, लेकिन उसे बाद में खुद एहसास हुआ कि यह कुर्सी मेरे लिए बहुत ही छोटी है, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मान सिंह को देखें तो वो भी अपने सम्मान को एक छोटे से पद को पाने के लिए बेच दिया था। वहीं मीर सादिक की बात करें तो वो टीपू सुल्तान का गरीबी मंत्री था, लेकिन एक छोटा सा पद पाने के लिए टीपू सुल्तान ने भी के सामने मीर सादिक ने गद्दारी की। और ये पांच गद्दार देश के सबसे निकृष्ट इंसान हैं, जो समाज में काफ़ी निंदनीय हैं। इनका जीना जन्म लेना बेकार माना जाता है। इसलिए मैं तमाम शिक्षक बंधुओं से अपील करता हूं कि आप ऐसी गद्दारी ना करें, और यदि आप नहीं जा रहे हैं तो इनका मनोबल ऊंचा उठाने के लिए आप अच्छे अच्छे संदेश दें, उनके विद्यालय जाने के लिए उनकी सहायता करें, चाहे वह आर्थिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, उनका हौसला जाई अवश्य करें। हाँ, कुछ गद्दार हमारे नियोजित शिक्षक में अभी तक जरूर पकड़े गए हैं। शिक्षक संघ का ऐलान था कि यह फार्म ना भरा जाए ताकि हमारी एकता बरकरार रहे, लेकिन अब तक 5,000 लोगों ने गद्दारी की है। कुल मिलाकर 5,500 गद्दार देश के लिए अभी तक साबित हो चुके हैं। मैं तमाम बंधुओं से आग्रह करता हूं, यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। हाँ, वैसे लोग जिनको कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है, वो हमारे नियोजित शिक्षक का हिस्सा नहीं है, अगर उन्होंने भरा है तो उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे शिक्षक जो नियोजित हैं, जो कम से कम वेतन पा रहे हैं, जिनकी आजीविका चल रही है, वो अपना निजी स्वार्थ के लिए अपने संघ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा स्वार्थ आपके लिए, समाज के लिए तथा सबों के लिए नुकसानदेह है। यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऐसी मनसा को छोड़ दें, क्योंकि जीत हमारी पक्की है। जिन लोगों ने गद्दारी की, देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये गद्दारी को पता नहीं था कि देश क्रांतिकारियों द्वारा आज़ाद हो जाएगा। उनको लगता था
अंग्रेज़ों की हुकूमत हमेशा सदा यहाँ बने रही और हम हमेशा समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए तमाम शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि आप इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 11 जुलाई को पटना पहुँचें और सरकार को ईंट से ईंट बजाकर उसको जवाब दें। जो लोग जा रहे हैं उन सभी क्रांतिकारी बंधुओं को राष्ट्रीय सलाम, भारतीय तिरंगे का सलाम। आप हमेशा खुशी रहें, आपके परिवार हमेशा खुश रहें, आपका समाज, आपका देश हमेशा आपको सलाम करें। आई फॉर यू आपको विशेष नेशनल सैल्यूट देता है। थैंक यू। और ऑल आई फॉर यू व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में शामिल हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।